सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ सुबैक्स एलटीडी के बारे में। तो शुरुआत में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें दिए, बट कुछ दिनों से ये डाउन ट्रेंड में आता हुआ हमें दिख रहा है। हम काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी इस स्टॉक के साथ, बट वैसा नहीं हुआ। स्टॉक ने बिल्कुल ये मार्केट के उलट चल रहा है। मार्केट अब भी जाता है तो भी स्टॉक में ये नीचे की ओर ही जा रहा है, और कहाँ तक ये नीचे की ओर जा सकता है, कहाँ पर इसे आज ब्रेकआउट मिला, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी कुछ बातें हम आज इसमें डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अलोक इंडस्ट्री के मैं चार्ट पर आ गया हूँ, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिला था। बट उससे पहले हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ग्राफ के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हो 23.70 रुपये पे इसने हमें क्लोजिंग आज दी है, और 0.65 पैसे स्टॉक हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा था। बट वही हम बात करें इसके इसके परसेंटेज में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो देख सकते हो 2.67% का इसने रिटर्न दिया है, और 24 पर ये ट्रेड कर रहा था। बट उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आता गया, लगभग 0.7% तक की इसमें हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट उसी के साथ अगर 5 दिन के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 25 पर ये ट्रेड कर रहा था, तो काफ़ी अच्छे ही रिटर्न्स दे रहा था। 25.30 पर ये ट्रेड कर रहा था, बट उसके बाद इसमें सडनली इसमें गिरावट देखने को मिली, और स्टॉक सीधा 1.06 रुपये तक गिर गया। काफ़ी हद तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली अगर मैं बात करूँ 29 जुलाई से लेकर 2-4 अगस्त के आज के दिन तक की। और वही हम बात करें इसके 1 महीने के चार्ट फ्रेम पर, तो 3.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, फिर उसके बाद 12.38% की इसके गिरावट दे दी 1 महीने के टाइम फ्रेम पर, तो 27 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद क्या होगा इस आप देख सकते हो, 5 जुलाई से 12 जुलाई तक 1.40 रुपये तक स्टॉक बढ़ा, बट 12 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक 3 रुपये गिरावट देखने को मिली, फिर 25 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक 1.7 रुपीस तक स्टॉक हमें यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा है। वही बात करूँ मैं अगर इसके 5 फरवरी से लेके, तो इसके आप देख सकते हो 9 जून तक, 5 फरवरी से लेके 9 जून तक तो 20 रुपये से स्टॉक गिरा है। तो यह कई ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिले, सीधा साइडवेज आता गया लगभग 5 फरवरी से 9 जून तक, फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत ऊपर गया, लगभग ये 10 रुपये की इसमें हमें बढ़ावा देखने को मिली इतनी 9 जून से लेकर 14 जून तक 10 रुपये तक ये स्टॉक बड़ा हायर राइज भी लगा है। उसके बाद इसमें लगभग 7 रुपये की गिरावट देखने को मिली, और टोटल की अगर बात करें तो इसने सिर्फ 2.80 रुपये का ही रिटर्न दिया है, और 13% का इसने रिटर्न दिया है। और बात करूँ अगर 1 साल के टाइम फ्रेम की, तो 1 साल के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, 42 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये लगातार नीचे की ओर आते जा रहा है, लगातार ही नीचे की ओर ट्रेड कर रहा था। 20 रुपये तक स्टॉक गिरा लगभग 40 रुपये के लेवल से, फिर ये साइडवेज चलता गया लगभग, कब से बात कर रहा हूँ मैं, 5 सितंबर से लग गया 9 जून 2021 तक, फिर तब थोड़ा बहुत तो उछाल आया था, लगभग 16 रुपये इसमें गिरावट देखने को मिलती। बट तो भी इसने मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को ख़रीद लिया, उसके बाद तो एक कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रही थी, बट पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, मार्केट के पूरा उलट चल रही है कंपनी। और मार्केट कैप की मैं बात करूँगा 11.79 रुपये का इसका मार्केट कैप है, और बात करूँ मैं इसके 52 वीक का है कि, तो 44.30 पैसे इसका 52 वीक का ही है, और बात करें इसके 52 वीक के लो की तो 18.65 रुपये इसका 52 वीक का लो है। तो बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसके चार्ट की, तो चार्ट में आप देख सकते हो काफ़ी कुछ हुआ था पिछला, मैं काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस स्टॉक से रख रहा था, बट पूरे एक्सपेक्टेशंस पे इसने पानी फेर दिया, यहाँ पर गिव अप हुआ था, यहाँ पर भी ये रिजेक्शन मिला, यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, फिर गैप डाउन मिला। गैप डाउन मिलने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ये गैप डाउन हुआ है तो उसे ये फील करने की कोशिश करेगा, बट इसने फील नहीं किया, यहाँ पर से सीधा सडनली इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। पता नहीं कैसे इसमें गिरावट आ रही है, कहाँ से इसमें सेलिंग हो रही है, तो काफ़ी लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हम कह सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें हो रही होंगी, तो यहाँ पर गैप अप मिला था, तो गैप भी इसने फील कर दिया था गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो इसने गैप भी यहाँ पर फील कर दिया था,
तो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चलो इसने गैप फिल कर दिया तो ये साइडवेज चल के यहाँ पर ब्रेकआउट दे देंगे और अच्छा हाई राइज बना सकता है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक में गिरावट ही आई और आप देख सकते हो यहाँ पर गैप अप हुआ था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गैप डाउन हुआ है, बट आप देख सकते हो सीधा इसने नीचे की ओर ब्रेकआउट दे दिया, सीधा स्टॉक ने यहाँ नीचे की ओर ब्रेकआउट दे दिया, लगभग 24 रुपये 20 पैसे के लेवल पर ब्रेकआउट दे दिया और अभी नीचे की ओर ही आएगा। तो किस लेवल तक नीचे की ओर आ सकता है, चलो ठीक है गिर तो गया है, अभी ये कहाँ तक आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने सिंपल सा यहाँ पर ट्रेड भी बनाया था, अगर मैं बात करूँ तो जून के महीने में मैं ट्रेड बनाया था, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सीधा ये ऊपर की ओर हाई राइज लगा रहा था, ऊपर की ओर हाई राइज लगा रहा था, बट क्या हुआ यहाँ पर अगर देखें इसके पलट यहाँ पर हो गया और यहाँ पर ही नीचे की ओर ब्रेकआउट मिला। नीचे की ओर अगर ब्रेकआउट मिला है गाइस तो काफ़ी नीचे की ओर स्टॉक आने वाला है। अभी तो ये 30 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड का इसका चल रहा है, बट आप देख सकते हो कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो इस लेवल तक 20 रुपये के लेवल तक ही नीचे आ सकता है, क्योंकि यहीं से सीधा ऊपर की ओर दो ही कैंडल्स में इसने हाई राइज लगा दिए थे, दो ही कैंडल्स में, तो नीचे आने के लिए भी ये दो कैंडल्स इसके लिए बहुत है। तो देखना होगा इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा संभल कर रहना गाइस, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, शेयर को मैनिपुलेट किया जा रहा होगा या शेयर नीचे जा रहा होगा, प्रोडक्शन में कुछ कमी होंगी, तो काफ़ी कुछ बातें इस पर मैं कल वीडियो लाऊंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो गाइस, थैंक यू।